अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग जनाब। 5:30 बज गए हैं। रात को बड़ा तूफानी मौसम था, तूफान आया हुआ था बड़ा ज़बरदस्त, आंधी, बारिश भी हल्की सी हुई है। आज सुबह सुबह का मौसम भी बड़ा सुहाना है। कामरान तो उम्मीद है अभी सोया ही होगा, कुत्ते पता नहीं अब काम बंद है, आज तो इधर नज़र नहीं आ रहे। कामरान पक्की बात सोया होगा, लाइट अभी तक ऑन है उसकी ना। कुत्ते को लगता है कोई अंडे पीने वाली बला आ गई इसको करती हूँ बंद, इसको लगते हैं लाग। भाई साहब अब कितना दूर चले सुबह सुबह? पानी लाया। अच्छा ठीक, कामरान उठिया कोई नहीं? कामरान उठिया कोई नहीं? अच्छा, बला ने तो लगाया हुआ पानी। हम इधर लगाते हैं थोड़ी थोड़ी दौड़ धूप। रैबिट फार्म भी अभी यहाँ से शिफ्ट हो गया, वहाँ पे खाली हो गया ना, अभी इसको स्टोर रूम बना लेंगे। ये सारा एरिया जो है अब दूसरे खुश्क होने के काम आएगा। वो ट्रैक्टर जो खड़े करते थे वहाँ पे, वो भी कामरान कह रहा था अब नहीं आते, क्योंकि उनकी कामरान के साथ झड़पें चलती रहती थी। वो जल्दी अगर आ जाते तो ये दरवाज़ा नहीं खोलता, तो वो कह रहा था अब वो इधर आते ही नहीं। तो अब ये सारा एरिया जो है ना, ये दूसरे खुश करने के काम आएगा। कामरान वो एंड पे घूम रहा है कुकड़ियाँ बतहों की तरफ। सर हम यहाँ पर लगाते हैं दौड़ों पर चलते हैं उधर मुश्तर का बकरी एंड खरगोश फार्म पे। कुछ चीज़ों का ना हम लोग ख्याल नहीं करते, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे ये लाइट ऑन है, बल्ब ऑन है, तो ये चीज़ तो छोटी सी है, लेकिन छोटे छोटे काम ही जो है ना वो हमारी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लाते हैं। लोशन का स्टॉक भी आस्ता आस्ता बढ़ रहा है। तो अच्छा, तो मैं कितने दिन के लिए जाऊँगा अभी ये तो बताइए। मैं तो राधा भी हफ्ता रह रही हूँ, लेकिन 2 महीने बाद जा रहा हूँ, तो सैन में भी जाने, रिश्तेदारों के भी जाने, इस तरह करके ना हॉटल मंदिर लगी हुई थी, लाइक की पंजाबी फिल्म सैन श्यामा की। कौन सी? लाहौर कलंदर, वो देखनी है। हाँ देखिए, हमने हमने अच्छा मुझे डांट बुरी पड़ती है, कहते काम तो कहाँ पैदा हो गया, हमारे पूरे खानदान की तरह की घटिया चॉइस रखते हैं, तो रखते हैं पंजाबी गाने, पंजाबी सिनेमा, वो कौन लाइक करता? तू जैसे बंदे लाइक करते, तू जैसे लोगों की जैसे वो मशहूर हुई हुई है ना, कोई लाइक नहीं करता। नहीं आया था तो वहाँ पे साथ ही वो मछली ले रहा था। आपकी तस्वीरें हैं इनके साथ? हाँ, मैं आपको दिखाई जब मैंने नहीं आया था उधर सिनेमा के साथ, तस्वीरें सिनेमा के साथ, शान के साथ, और शफका चीमा के उसके भाई के साथ तस्वीरें भी नहीं ली थी, वो भी 2 साल पहले जब मैं वहाँ गया था सब शॉपिंग सेंटर में मिले थे। जो मुसरत नज़ीर है उसके साथ भी हैं? मुसरत भी नहीं, फिर आप हुमैरा चन्ना मोहम्मद अली जेबा मोहम्मद, जब मैं छोटा सा ना तब मोहम्मद अली के साथ कैमरे वाला नहीं होता था, उसके साथ सीट थी। अच्छा, हाँ वो हमारी लिबर्टी में रहते हैं ना, हम लोग छोटे थे तब उसे इतने बड़े कैमरे से तस्वीर खींची थी। तो जो बाबा कुल्फी वाला है उसके साथ भी है? बाबा कुल्फी वाला तो हमारा नेबर है ना, हमारे तो भाइयों की शादी अटेंड की हुई है, हमने उनकी शादी अटेंड की हुई, उनके आगे से बच्चे बूढ़े हो गए। अच्छा, तो जो जनरल ज़ियाउल हक है उसके साथ कोई मुलाकात? नहीं, उसके साथ हम छोटे लोगों से भी थे, बड़े लोगों से पहले। रीमा के साथ भी तस्वीर दिखाऊंगा मैं आपको, रीमा के साथ, रीमा खान मारिया वास्ती उसके साथ भी तस्वीर खिंचवाऊंगा आपको दिखाऊंगा मैं। अच्छा, जो हमेगा जो भतीजियों को पढ़ाने के लिए आते ना मौलवी, वो मारिया वास्ती को पढ़ा के फिर हमारे घर आते हैं, बुढ़ी है बिल्कुल, उनको नहीं आता तो वो तिलावत सीखती है तो वो फिर हमारे घर आते हैं। आपकी गाड़ी किधर है? ये भी गाड़ी है ना? नहीं, आपकी गाड़ी बड़ी वाली? वो यार घर में खड़ी है, उसके आगे ये खड़ी थी ना। अच्छा अच्छा, आसानी होगी पार्क पे काने में। हाँ, कितने बजे? 4-5 बजे बुला रहे हो? कॉफी मेरे उसकी सेटिंग भी तो करनी है, फिर कल का दिन भी तो है ना मेरे पास, आज आदमी कर लेना। ठीक, ओके, अल्लाह हाफिज़।
जरा दूसरे को चेक करते हैं जिनको ये जिसको पानी लगा रहे हैं। हाँ जी ला रहे हो पानी। खरगोशां फसल तो फिर वड्डी हो गई, फिर कटने के काबिल हो गई। पानी लग गया ना, ये आया पानी हूँ कि अगर आ रहे नहीं त्रै चार क्यारे हो गए बाद करा बड़ा लिया के पैप और निका पैप ला के हेठा पासा उन्होंने लाने दो चलाए। अच्छा अच्छा पानी शानी लगा रहे हैं ये जंतर मंत्र भी लग गया। फिलहाल तो जमींदारी हमारी ठीक चल रही है, ठेके पे भी कुछ अब हमारा जो है ना वो लूसन लोग काट रहे हैं। तीन चार माह होते हैं गर्मियों के, आप कह लें कि मई जून जुलाई अगस्त सितंबर ये चार पांच माह होते हैं, इनमें दो माह सावन के भी आ जाते हैं, उसमें भी जो है ना वो बड़ी पैदावार मुतासर होती है, घास बहुत ज़्यादा लूसन में हो जाता है और बारिशों की वजह से ना कटाइयाँ नहीं हो पाती। असूली तौर पर तीन चार माह ही होती है गर्मियों में जिसमें हमने सारे साल का लूसन इकट्ठे करना होता है। रात को बारिश हुई है ना थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं हुई, सड़क देखी ना भीगी भीगी सी, भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आ जा मेरे गम के सहारे आ जा छे रोटियां खाने वाली बुला भी फिर दी। हाँ जी अस्सलाम कल का कोटा पूरा हो गया सी छे रोटियां का। हाँ जी छे पूरियां खा दी जी सर पक्कियां नहीं थोड़ी घट खा दी पौने छे। हाँ पौने छे कर लो। और सर ठीक ठाक जी? ठीक ये मैं तो नाम पा छड़िया छे रोटियां खाने वाली बला। ओहो हुण क्या है करी पौने छे खांदी। हाँ जी ओए कम रात अबू बकर ने मैं दसना बला जड़ा ना थोड़ी रोटी घटा गई चेक करते हैं कितनी लाशें पड़ी हुई हैं। एक दो तीन लाशें। ओ लाशो लाशो क्या हो गया सुबह सुबह बस बंद हो गया पेट्रोल खत्म हो गया चने ले के आए। अच्छा अपना मुक गया सालन जो कद्दू टोरे सन तीन किलो सन कह रहे घट सन तो फिर हम 5 किलो भेजा
चल ठीक पता लग गया ना हूँ। खरगोश चेक किए खाने दिल किया मासूम ने बड़े लेकिन कहते ना जुर्मे जैफी की सजा मरगे मुफजात माड़े बंदे नु ते माड़ा बंदा कह रहे हैं माड़ी चीज़ नु आहर कर खा ही दिता जांदा ओए वाए क्या कर रहे हो गंदा काम नहीं करना अच्छा ठीक है मन लगता है गल को नहीं मननी इन्हें गेम पास है बीतल बुआ थोड़ा सा ये नाग मजीद गोल होता तो उतल बन जाना था शुक्र करो बच गए हो रात पता चली है आंधी बहुत तेज आंधी चलने से ना उधर से ये देखे सारी एक मेघनियाँ इधर रास्ते में आ गई दरवाज़ा खोलने की मज़मूम कोशिश जारी है किधर जाना चाहती हो दरवाज़ा खोल के हैं रैबिट फार्म तो बंद है सुबह सुबह ऑटो लॉक लगा हुआ है ये ऑटो लॉक इसको ऐसे खींचे ना ये सारा लॉक खुल जाता है ये इधर से कैसे खींचते हैं ये ऑटो लॉक खुल गया चलो अब हम खरगोशों की सरजमीन में दाखिल हो चुके हैं खरगोश सारे एक्टिव हैं हेल्दी हैं यहाँ पे खुली जगह पे आके तो वाजे फ़र्क महसूस हो गया गर्मी यहाँ पे इनकी थोड़ी कम हुई है इन्हें गर्मी असल में बड़ी लगती है अब ये बेहतर पोजीशन में ठीक है छोटा सा बच्चा पानी पी रहा है ये दूसरा आ गया इसे हटा के वो पानी पीने लग पड़े लेकिन अब किसी ने इसको बताया तो नहीं पानी कहाँ होता है कैसे पीना होता है लेकिन जब आपको पता होना कि आपने अपनी ज़रूरत को खुद पूरा करना तो फिर जो है ना आप कोई ना कोई तरीका कार निकाल लेते हैं ज़िंदगी भी इसी तरह ही है जब हमें पता होना कि हमने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है हर हालत में हमने काम करना है हमने कामयाब होना है तो फिर आप अपने रास्ते खुद निकाल लेते हैं माहौल वैसे नहीं तो ठीक हो गया इस मादा के बच्चे भी सारे रंग बिरंगे ये भी ठीक है ये भी सारे कुछ मादा खरगोश बच्चे इनमें से कुछ सेल हो जाने हैं आजकल में क्योंकि कुछ कस्टमर जो है ना उनको चाहिए लेकिन ये मादाएं हैं जो कि अभी तीन तीन चार 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 माह के बच्चे हैं तो एक आध माह में ये ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाएंगे चूहे इनके बड़े दुश्मन होते हैं खरगोशों के उनसे बचने के लिए ये जो पतली जाली है ना ये उनसे बचने के लिए लगाई ये मुकम्मल तौर पे इसको सील कर दिया
बिल्ली वहाँ से पता चलता है वो घास के ऊपर से ना इधर आ जाती है रात को वही थी। लेकिन बिल्ली के लिए चौकीदार ने ग्लेल बनाई है, उसे कह रहा था मैं उसे भगा दूंगा, लेकिन ये चूहों के लिए ना ये मुकम्मल तौर पे सील प्रूफ हो गया सारा। ये उम्मीद है चूहे नहीं आएंगे, चूहा जब आता है ना चूहे तो इनके अंदर घुस जाए ना अगर, इनको बच्चों को खा जाते हैं चूहे। और चूहा ऐसा जानवर है कि जो खाता तो शायद एक भी नहीं पूरा, लेकिन मार सब को जाता। नाश्ते का कह रहा है जी आज नाश्ता लगा देते हैं। ये जो पोर्शन है ना ये गाय का पोर्शन है, ये आइंस्टाइन के जेर तसल्लत है। अभी थोड़ी देर पहले इधर ही घूम रहा था, इधर है क्योंकि गाय भैंसे हैं गाय, तो मुझे इनका कोई शौक ही नहीं, ये तो सिर्फ दूध के लिए रखी हुई हैं। इधर दूध फार्म पे काफ़ी चाहिए होता है, तो मैं तो कभी उधर गया भी नहीं। इन्हें तो देख के डर लगता है, इतने ज़्यादा बड़े जानवर हैं। अपने मिजाज के मुताबिक ये जानवर नहीं, ये ठीक है। छोटे छोटे जानवर माइक्रो मैनेजमेंट इनके होते हैं, ये मज़ा होता है जब आप मुश्किल काम करते हैं उसको फिर कामयाबी से करते हैं। बकरियां जैसे खरगोश हैं छोटे, इस तरह की चीज़ों में मज़ा आता है जो यूनिक हैं। ये गाय भैंसे ये तो हर गली में आपको चीज़ें मिल जाती हैं, इनमें वो बात नहीं है जो इन छोटे जानवरों में। हेलो लेडी बॉय, ये वही बकरा जो बकरियों की तरह आवाज़ निकालता है बड़ा डेडा टकरे मारते टकरे। अरे बीतल वगैरह स्मेल आ रही है, छींची तुम्हें पी गंदे बच्चे हैं, छींची पी है। ऐसा काम गलत काम करना छोड़ दो, डैडी को पता चल गया ना क्या सोचेंगे, अरे बच्चे कैसे गंदे काम करते हैं। लगता है नहीं रहना है, समझाने का भी कोई फायदा नहीं, छोड़ो क्या हाल है उठ गए। आइंस्टाइन पकड़ा गया, हाँ टेक्निकल आदमी है, मुश्किल काम करता है, पत्थे बढ़ता कोई कुतरता है। आ गया पराठा विद चना, बड़ा मुश्किल काम, चाह पीना बहुत मुश्किल काम, चाह तो बोतल पेप्सी पूछी ए मेरे से बड़ा मुश्किल काम। अच्छा मुश्किल काम, अद्धा घंटा लग जाना फिर प्याली मुकनी ए लाई जो तो चंगा। वर्षा एक ये चाय है ना ये फजूल तरीन चीज़, कोई दुनिया में इस तरह चाय नहीं पीता जिस तरह हमारे यहाँ पे चाय पी जाए दूध में पत्ती डाल के, इसका काम बिल्डिया में वैसे ना होती शहजादी हैं, जहाँ मर्जी चली जाएँ जहाँ मर्जी रास्ते में सो जाएँ बेड पे चढ़ के सो जाएँ। अब ये देख नीचे नहीं उतरने वाले, मलंगी हुई मलंगनी। आइंस्टाइन जनाब अपने मिशन की तरफ रवा दवा, पट्ठे कुतर ले रहे, अब गाय को डालने जा रहे। आइंस्टाइन नाराज होकर चला गया, तो मैंने पूछा जी क्या वजह बनी है, कहते हैं जी आइंस्टाइन कहता है जी रोटी तो दे छोड़ दो तो जा पूछते ही कोई नहीं। मैंने कहा जी पहले इसे चाय दिया करे रोटी बाद में। चारा फ्रेश कर रहा है,
बच्चा कुछ बाहर फेंक रहे। चलिए रश हो गया काम। अच्छा रात को आंधी आई थी तो पानी में सारी मट्टी चली गई। ये देखना पानी में मट्टी आ गई। अब बकरियां पानी नहीं पी रही। ठीक है ये देखे मुंह देख खड़ी होकर मुंह देख रही है। ये देख इधर भी देख ले मट्टी है पानी नहीं पी। ये खड़ी है मुंह बना के पानी पीने का कोई इरादा नहीं। ये पानी है मट्टी वाला। देखो पानी फुल पड़ा हुआ है। इधर भी पानी फुल पड़ा हुआ। आगे भी आपको दिखाते हैं कि जहाँ जहाँ भी पानी है वो सारा फुल पड़ा हुआ है। ये अब मतलब कि पानी तो पीना है इन्होंने। पहले चारा शारा खा रहे हैं जानवर। खुश्क चारा यहाँ पे सारा खुश्क फीड है। पानी क्यों नहीं पी रहे। अब ये मैनेजमेंट है बुनियादी कि पानी गंदा है। ये जानवर बकरी बड़ा नफीस जानवर है। ये गलत गंदी चीज़ खाती नहीं। खाएगी तो बीमार होगी फिर मरेगी। तो इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखने वाली बात है कि आपने देखना कि आपके जानवर अगर खा पी नहीं रहे तो क्या वजह। उस वजह को जल्दी जल्दी हार कर। साढ़े सात हो गए हैं और इधर फार्म पे थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि जो इधर फार्म पे डॉक्टर साहब हैं शुएब साहब उनसे ज़रा मीटिंग की है कि खरगोशों के हवाले से कि आप खरगोशों को भी टाइम दें। तो एक आजमा आप उन्हें टाइम देंगे तो इनकी भी आपको सारी समझ लग जाएगी ना। इसलिए थोड़ा सा हो गया लेट। ऐ दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहाँ कोई ना हो अपना पराया मेहरबान ना मेहरबान कोई ना हो। जाकर कहीं खो जाऊं मैं नींद आए और सो जाऊं मैं। दुनिया मुझे ढूंढे मगर मेरा निशान कोई ना हो। 15 मिनट में नहा के तैयार हो गए। 7:45 से ज़्यादा टाइम हो गया। अब चलते हैं ऑफिस में। ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए ना एक फार्मूला याद रखनी बस एक फार्मूला। अपने वक्त का ठीक और भरपूर तरीके से इस्तेमाल करना सीख लें। वक्त कभी ज़ाया ना करें एक सेकंड भी ज़ाया ना करें। और ये देखे तो मुड़ी ने अपना घर कहाँ बनाया हुआ है दरवाजे के बीच में। क्योंकि जो वक्त ज़ाया हो गया वो कभी वापस नहीं आ सकता। और उस वक्त से भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाना यही कामयाबी की जो है पहली सीढ़ी है। यह शेरी शेरा ब्रीड हमारे इधर ना डिस्ट्रिक्ट गुजरात के इलाके की। बड़ी बात हुई ना ये लड़ती बड़े है ना मुझे भी सीख मार रही थी। क्या हाल है थोड़ा? ठीक ठाक सर। आ गया काम पे? जी हां। रोटी खाए हो? जी हां रोटी खाए। कितनी रोटियां खा दी हैं? इतना खा दी बस। जी कितनी खाते हो सारी दिहाड़ी? 2 खा ली थी बस। जी हां करना तो 20 खाते सो? नहीं हूं घट का खड़ी ਪਹਿਲਾਂ 20 ਖਾਂਦੇ ਸੋ ਨਾ ਜੀ ਆ ਪਹਿਲੇ 20 ਖਾਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੋ 20 ਵਾਲੀ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੜ ਗਈ ਹੈ ਨਾਦਰਾ ਆਫਿਸ ਇਸੇ ਕੁਝ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਕੀ ਨਾਦਰਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਮੁਸਾ ਅਬ ਯਹਾਂ ਪੇ ਆਏ ਯਾਰ ਯਹਾਂ ਪੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਹੀ ਆਫਤ ਹੈ ਦੇਖੇ ਬਾਹਰ ਕਿਤਨਾ ਰਸ਼ ਲਗਾ ਹੋਇਆ पता नहीं क्या गवर्नमेंट का सिस्टम है इतना रश होता है। कुछ बनाना पड़ जाए ना कोई डॉक्यूमेंटेशन तो बंदे को ना सही बात है वक्त बड़ा ज़ाया होता है।
इस तरह का माहौल बना दिया ना गवर्नमेंट के इन इदारों ने कि वक्त ज़ाया और लोग घबरा के फिर रिश्वतें दे, सरेआम रिश्वतें लेते हैं ये लोग। हमारा बंदा जो है वो 10 मिनट हो गया मोबाइल जाके खड़ा हुआ है वो नीले कपड़ों में। मैंने उसे कहा जाके अंदर माहौल चेक करना, कोई टोकन लेने पड़ते हैं ना, तो क्या टोकन मेरे जाने के बगैर ही मिल जाएगा, बैठना पड़ता है यहाँ पर बड़ा। तो बेचारा खुद बाहर जा खड़ा हो गया, अंदर जा ही नहीं पा रहा। और फरार कैसा आसान तरीका बोला, इधर खड़े हो के हमारा तो हो गया काम। तो मैंने अब कहा है लड़के से कि जाके ना जूस बन इधर वो बनवा के लेके आओ गन्ने की। वो पाकिस्तान में जो होता है फिर वही हुआ है, घंटा खड़े हो गए यहाँ पे। तो साथ इसके है इधर अशरफी स्वीट, ये नोना हलवाई। अब नोना हलवाई ये अपने जानने वाले हैं, तो इनसे कहा है तो ये कहते हैं चलें काम करवा देते हैं। अब देखें कैसे काम होता है। स्वीट वाले अपना कोई या तो दिखाते हैं, कहते हैं ऐसे ही एम्बुलेंस बुला लेने। एक पाव का ये 100 रुपये का, 100 रुपये का 180 का, एक पाव है डेढ़ पाव, ये एक पाव है, पाव है 180। ठीक है, नहीं ये सॉरी आधा किलो है, इससे छोटी वाली एक पाव। हाँ ये 180 की है। अच्छा ये तो बर्फी है, ये क्या चीज़ है? काजू बर्फी, काजू बर्फी। चेक करो वीडियो बना दो। थोड़ा सा तस्वीर भी बताएंगे। मशीन ला लो डॉक्यूमेंट हमें मिल गए हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान में काम होते हैं उसी तरीके से। लेकिन 2 घंटे फिर भी कम से कम लग ही गए। किधर जाते हो बे? सरकार ब्रेक हो गई है, जरा झट निकले हैं दरबार वाल चले जे। ओ नोने नु आई कोलो सी हो गया है जे, ते ओ कोई जे चीनी पांदा है पिया गली चो निकले हो। ठीक ठाक आज तुम हालत पानी पियाई चलो दो पानी ने भी नकली कर देने दुद्ध ही पा के। ठीक फार्म तो हो गया ना, फार्म से भी एक चक्कर लगा रहे, 1:30 बज गए। चल लेकिन इस वक्त देखते हैं खरगोशों की क्या सूरत हाल है, इतनी गर्मी में फार्म तो नहीं रहेगी। तो ये बड़ा मसला होता है,
जो भी ड्राइवर बैठता है ना वो सारी सेटिंग खराब कर देता है, सीट आगे करके तो भी पिछो के कर लेते हैं, शीशे सारे हो जाते हैं, गाड़ी एक हाथ पे रहे ना सेटिंग आपकी चेंज नहीं होती है। आप दूसरे बंदे को देते हैं तो सबसे पहले तो बैठ के सारी सेटिंग चेंज कर देते हैं ना। मर के हम हाँ के कुए यार हुए, सुरमाए चश्मे एतबार हुए। गर्मी बड़ी हो गई है जी, मेरे हिसाब से 42-43 टेम्परेचर चल रहा होगा। पानी साफ हुआ है ना, सारी पीने लग पड़ी। कैसा पुरसकून नज़ारा है। शेड के अंदर तो काफ़ी ठंडा माहौल है, पंखे चल रहे हैं, जानवर भी रिलैक्स हैं, बाहर गर्मी है। माहौल तो जनाब बड़ा ठंडा बने हैं, नीचे रेत है ना, उसको पानी लगा हुआ है, एयर कूलर पंखे वो एयर कूलर अब के पोजिशन है। जानवर गर्मी तो नहीं किसी ने की थी। फिट फाट ते लोटा फड़े ही उधर वाशरूम में लै गए। अच्छा मैं कह रहा इतने लैंदा लोटा, ये देख इतना लाइन बना के ना बच्चे सो रहे हैं, गवर्नमेंट कानों से तो ये बेहतर है, लाइन तो बनाई है। माहौल तो बड़ा ठंडा हो गया है जी, हर गोशा का जो काम है ना ये बड़ा फिट हो गया यहाँ पर, ठंडा माहौल तो मीठे चोर। उम्मीद है कि हमें ना इनकी प्रोडक्शन सारा साल मिला करेगी। पिछली गर्मी में हमने इनसे इनमें गर्मी से पैदावार नहीं ली थी, क्योंकि ये गर्मी बड़ी लगती है ना, मादा हर गोशे जो मर जाती है। मॉल अच्छा है ना, सारे जानवर खुश होकर खा पी रहे हैं, देखे ना मॉल ठीक है ना, तो ये खाना पीना छोड़ देते हैं, परेशान ही रहते हैं। वॉशरूम में देखो बंदा नहा रहा है, अब छाती मारने का भी यहाँ पे कोई निज़ाम नहीं है, वरना चाय करके देख लेते कौन नहा रहा है, पूछना भी गैर मुनासिब बात है। अगला आए यार तो हमें शर्म ही आती है, नहाते पूछते कौन नहाता। इधर खाने में है कुकड़ी, सफ़ेद कुकड़ी, मजबूरी के तहत खाना पड़ी है, वरना इसमें ताकत उकड़ वाली तो चीज़ कोई नहीं। कहते हैं प्रोटीन इसमें बड़ी होती है या पूरी होती है, पता नहीं किस ग्रेड की प्रोटीन है, खा के तो ऐसे ही लगता है कि खाए कुछ नहीं। खरगोशों का हमने हिसाब लगा लिया जी, दिन के वक्त बिल्कुल भी अब उन्हें गर्मी महसूस नहीं हो रही। एक मादा खरगोश है जो कि बच्चे देने के बिल्कुल करीब है, एक दो दिन ही लेती है, तो उसकी धड़कने काफ़ी तेज़ थी, लेकिन चले उसका तो बनता है ना, एक दो दिन में उम्मीद है कि वो भी सेट हो जाएगी अगर हरिए से उसने बच्चे दे दिए। असल में इनके पेट में बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 हमारे जानने वाले हैं, उनके पास एक मादा ने 27 बच्चे दिए बकौल उनके। 20-22 तक भी मैंने सुने हैं, तो इसलिए इन पर बहुत ज़्यादा होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए ना ये ऐसा हो जाना मादा का आखिरी दिनों में इतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर उसका हाई हो जाना, ये कोई चंबे की बात नहीं है। वैसे कोई दौर था ये जो नालियाँ थी ना ये वाली, ये हज़ारों की तादाद में होती थी, देखें बेचारी अकेली जो है ना वो घूम रही है। इनका बड़ा बेदरेक शिकार हुआ है गोश्त में ही, जब गधे चले हैं ना साथ ये भी नालियाँ भी चल गई। ये देखें बुलबुल ऊपर गुस्सा कर रही है, लगता है इसके बच्चे निकल आए होंगे ना, ये देखा हमले कर रही हैं बुलबुलें। अब इनके भी हारमोन्स एक्टिव हो गए ना, वो मदरहुड वाले ममता इनकी जा गई है।
भूख लगी हाँ जिसको भूख लगी आपको भी नहीं बोल और आपके बोलते का अंदाज कोई और होता है भूख लगी नहा कर आ गई ना फौरन रोटी मांगेगी ना रहेगी और ये आपके पास भूख लगी नहीं इसको हाँ बस टाइम का हुआ कालियां तोरी खीरे भी बैंगन भी बैंगन भी कद्दू जी कद्दू कितना शानदार मौसम ठंडी हवा चल रही है कोयल बोल रही है देहाती माहौल जो है ना ये बड़े शानदार होते हैं शहर में क्या हर वक्त शोर धुआं गंदगी असल ज़िंदगी जो है ना वो देहाती ज़िंदगी है अब इतनी सब्ज़ी उतरना शुरू हो गया यहाँ से दो चार किलो तो रोज़ उतर जाती है ये देखिए ऐसे ये पड़ा हुआ है करेला ये देख घर की जो सब्ज़ी अगर हम लगा लेना इस तरह दो चार बेलें यकीन करें ख़त्म ही नहीं होती तो घरों में हमें ये लगानी चाहिए बेशक गमलों में लगा दें छत पर लगा दें इतनी सब्ज़ी होती है ना यकीन करें आज भी घर इतनी ले के गए हैं बाट साहब जो ये लगाते हैं वो अपने घर मतलब ले के इतनी जा रहे हैं कल जुमे ना छुट्टी है उन्हें तो उन्हें भी कोई गिफ्ट की है घर की सब्ज़ी जो है ना एक तो टेस्ट इसका बड़ा होता है दूसरा बरकत बड़ी होती है ख़त्म ही नहीं होती ये देखें ये तीन कट्ठे लगे हुए हैं तो इसके अंदर कितने होंगे ये देखें ये कद्दू है ये कद्दू अब देख कद्दू कितने हैं इस पर अभी देखें वो कितनी बेले लगी हैं ये देखिए बाप घर एंटर होने लगे तो आपको दरवाजे के आगे डड्डू आपने से पहले एंटर होता हुआ नजर आ जाए क्या आपकी शो में ये किस्मत होगी डड्डू पहला बढ़ गया इसका मतलब है कि बरसात आने को है डड्डूस जो हैं वो अब एक्शन में आ चुके हैं और इस बात की एक निशानी ये भी है ये देखिए किरलियाँ ये देखिए ये बरसात में डड्डू किरलियाँ इस तरह के ना कहीं हशरात लर्ज बाहर निकल आते हैं घर में एंटर हो गए तो अभी पिज़्ज़े की खुशबू आ रही है तेरे पिज़्ज़ा किसने खाया खाने में आज वाह वाह भिंडियाँ बनी हुई हैं मजे हो गए बकरी का दूध